हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश के लेसन 2 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, मतलब मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। तो मिनी बालकनी में क्या कर रही थी, बाहर पार्क में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तो सी वाज वॉचिंग, वह देख रही थी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन को पार्क में खेलते हुए, आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक, अंजू ने क्या करी थी, क्या गलती कर दी थी। हाउ डिड सी कंपनसेट, मतलब कंपनसेट मतलब होता है कि उसने कैसे प्रतिकार किया, मतलब उस समय कैसे उसने बिहेव किया या रिप्लाई दिया। ठीक है, तो अंजू सेड, अंजू ने कहा डेट इट वॉज हार्ड फॉर द डक, मतलब पहले हिंदी में देख लेते हैं कि अंजू ने ऐसा कह दिया था कि बदक के लिए बहुत नए दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वह अपंग थी, और मिनी भी अपंग थी क्योंकि मिनी को लकवा था, है ना, वो स्पास्टिक थी। तो ये बात सीधे जाके मिनी पर अप्लाई हो गई और उसने बात बहुत ही अविवेकपूर्ण ढंग से कह दी थी। बट सी इमीडिएटली कवर्ड हर माउथ, और अचानक फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। आर्डर टू अमेंड हर मिस्टेक, जब उसे अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। तो अंजू सेड डेट इट वॉज हार्ड, मतलब बहुत ही मुश्किल है, फॉर द डक बदक के लिए, टू मेक न्यू फ्रेंड मतलब नए दोस्त बनाना, बिकॉज सी वॉज लेम क्योंकि वह क्या है, अपंग है। दिस वॉज अप्लाइड क्वाइट वेल, यह सीधे लागू हो गया टू मिनी, मिनी पर। एंड वॉज वेरी इम्पोलाइट, मतलब बहुत ही अविवेकपूर्ण था। बट सी इमीजिएटली कवर्ड हर माउथ, उसने सीधे अपना क्या करा, जल्दी से अपना मुंह ढक लिया अपने हाथों से। इन ऑर्डर टू अमेंड हर मिस्टेक, जब उसे अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, मतलब बदक की विदाई। बदक कुछ दिन मिनी के साथ रहती है और फिर सभी उसे छोड़ने कहाँ जाते हैं, झील पर जाते हैं उनके पापा के साथ, मतलब मिनी के पापा के साथ। और फिर वो वहाँ पर क्या करते हैं, एक तरह से आप कहानी सीख लेंगे कि बदक को, बदक और बदक मिनी और उसके दोस्तों को लेकर उसके पापा झील के पास जाते हैं। फिर झील के पास जाने के बाद में बच्चे धीरे से बदक को मिनी की गोद में से उठा लेते हैं और उसे क्या करते हैं, धीरे से पानी में छोड़ देते हैं झील के अंदर। फिर क्या करती है, बदक तैरना शुरू करती है और उसके बाद वो अपनी चोंच से पानी उछालने लगती है और बच्चे बहुत देर तक ये नज़ारा देखते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द डक वॉज टेकन विथ, मतलब बदक को लिया मिनी, विथ मिनी मतलब मिनी के साथ, एंड द अदर चिल्ड्रन और दूसरे बच्चे भी, बाइस मिनी फादर, मिनी के फादर ने, डू द टू द नियर बाई लेक, नियर बाई मतलब पास की झील में, देयर द चिल्ड्रन वहाँ पर बच्चों ने, लिफ्टेड मतलब उठाया, द डक को मतलब डक को उठाया, केयरफुली मतलब सावधानी से डक को उठाया, फ्रॉम मिनी स्लेप मतलब मिनी की गोद से, एंड जेंटली मतलब धीरे से, रिलीज मतलब छोड़ दिया हिम उसे, इन टू द लेक मतलब उसे धीरे से झील में क्या कर दिया, छोड़ दिया। सी बिगन स्विमिंग एंड मतलब बिगन स्विमिंग मतलब उसने तैरना शुरू करा, एंड शोलिंग, शोलिंग मतलब होता पानी उछालना, द वाटर शोलिंग द वाटर मतलब पानी को उछालना, किसके द्वारा, तो विथ हिज बीक उसकी चोंच से। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम मतलब चिल्ड्रन उसे देखते रहे, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर तक चिल्ड्रन उन्हें देखते रहे। तो उम्मीद है जो लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।